नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सियासी मजबूरी है, गठबंधन जरूरी है। जी हां, सूबे में सत्ता का संग्राम दिनों दिन तेज होता जा रहा है और दोनों दलों के दिग्गज रणनीति बनाने में जुटे हैं। सचिन पायलट ने गठबंधन के संकेत देकर सियासी भूचाल ला दिया है। कमल को टक्कर देने के लिए संगठन में शक्ति है का नारा बुलंद होता नजर आ रहा है। संभावनाएं टटोली जा रही है ताकि वोटों की गणित साधी जा सके। साफ है, साथ के लिए हाथ है बेकरार। चुनाव आ गए हैं तो चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है अक्टूबर के महीने में, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। चुनाव में जाते समय सिद्धांतों पर और इश्यूज में सबको साथ लेकर चलेंगे। जो भी लाइक माइंडेड सेकुलर दल हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, और अगर गठबंधन भी करना है हम लोगों को राजस्थान या बाकी प्रदेशों में तो उसमें केस बाय केस बेसिस पर ओपन माइंड हम लोग करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसके साथ में हम पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस की भूमिका बहुत स्पष्ट है कि हर एक वो राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी को इस समय में हमें अगर मुकाबला करना है तो सामूहिक रूप से करना है। राहुल गांधी जी का 3 दिन का दौरा एक सफल दौरे के रूप में आम जनता जो है देख रही है। कमेटियाँ और राहुल गांधी जी को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और अविनाश पांडे जी पर भारी उन्होंने बैठ के और डिस्कशन करके आला कमान को छोड़ा हुआ है। आला कमान जल्दी से जल्दी उसमें पूरा काम चल रहा है। क्या सत्ता विरोधी वोटों को बटोरने के लिए गठबंधन का फॉर्मूला वाकई जिताऊ साबित होगा? क्या बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के लिए भी उतना ही कारगर होगा? क्या बसपा, आरजेडी और एलजेडी सरी के दल कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? दूसरों को मनाने में कहीं अपने तो नहीं रुट जाएंगे? और सत्ता तक पहुँचने के लिए हाथ को कितने हाथों के साथ की दरकार होगी? जी हाँ, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी नेता पंकज मीणा जी हैं, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी हैं, सीपीएम नेता डॉक्टर संजय माधव हैं और साथ ही आप नेता राजकुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरिराज जी, बात कांग्रेस की हो रही है, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि एक तरफा जीत लेकर आएंगे आप, कांग्रेस सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, फिर ये गठबंधन किस लिए? देखिए, निश्चित रूप से श्वेता जी, जो गैर सांप्रदायिक दल हैं वो विचारधारा से जो संबंधित रखते हैं हमारे, उन सभी दलों से बात करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बात की है कि हमारा कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम केस टू केस डिपेंड करेगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन मजबूत प्रत्याशी है, कौन किस पार्टी का है, उसके आधार पर बातचीत होगी। ऐसा नहीं है पूरा राजस्थान के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही शासन रहा है, लेकिन समय समय के ऊपर दूसरे जो दल हैं उनकी भी प्रेजेंस होती रही है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि केस टू केस डिपेंड करेगा कि हमें कहां किससे बात करनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछले 4.5 साल से शासन में है। अब 10 रोज का शासन हो रहा है, 5-6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद सत्ता सरकार विदा हो जाएगी। तो इसलिए राजस्थान के अंदर जो जनता महसूस कर रही है और जनता ने जो भुगता है पिछले 5 साल के अंदर, जिस तरह से हर वर्ग सरकार के कार्यों से नाराज है, हाँ निश्चित रूप से केस टू केस की बात कर रहे हैं। पंकज जी, कांग्रेस यहाँ पर कह रही है गठबंधन कर सकती है वो, हालांकि कोई किसी पार्टी का जनाधार नहीं है जिसके साथ गठबंधन करके कोई बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये फायदेमंद चीज हो सकती है या फिर नुकसान हो सकता है इससे? श्वेता, पिछले 4 साल में कांग्रेस लगातार 22 चुनाव हारी और ये 22 चुनाव हारने से देश के आम जनता में एक चर्चा हो गई कि कहीं कांग्रेस 139 साल पुराना राजनीतिक दल खत्म ना हो जाए और खत्म हो। ये आज सचिन पायलट साहब ने, एक मिनट का उनका वक्त है, उन्हें बोलने दीजिए, एक मिनट का वक्त उन्हें बोलने दीजिए। सचिन पायलट साहब ने आज देश की जनता जो चर्चा कर रही है उसके ऊपर खुद ने मोहर लगाने का काम किया। आज कांग्रेस अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती, ये बैसाखी के सहारे चुनाव के मैदान में जाना चाहती है, ये सचिन पायलट साहब ने इनडायरेक्ट रूप से अपने मुंह से खुद ने स्वीकार कर लिया। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की भी नारा देते हैं, राम जाने क्या क्या बोलते हैं, और ये आज अपने दम पे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आज पिछले 6 महीने का इनका कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, ये अपनी उपलब्धि कुछ नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी सारे दिन गीत ये गाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है, जिसको सचिन पायलट साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं, और ये गठबंधन जो है ये एक अनैतिक गठबंधन है, मान रही है, लेकिन बीजेपी जानती है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से उभर रही है या फिर उसे हारने का डर सता रहा है। आप नेता हमारे साथ है राजकुमार जी, अक्सर जब भी डिबेट होती है बीजेपी कांग्रेस के ही नेता आते हैं क्योंकि किसी तीसरी पार्टी का कोई जनाधार प्रदेश में नहीं है, ऐसे में जब गठबंधन की बात कांग्रेस करती है तो क्या आपका साथ मिल सकता है?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। कांग्रेस को तो क्या है, एक्चुअली इनको डर सता रहा है, इनका अस्तित्व हिंदुस्तान से खत्म होने लगा है और इसी अस्तित्व को बचाने के चक्कर में ये अदर पार्टियों के साथ गठबंधन की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। वैसे आपको देखा जाए तो बीजेपी को सत्ता जाने का डर लग रहा है और इनको कांग्रेस वाले को सत्ता आने का डर लग रहा है। बस सत्ता इनको आ रही है तो डर लग रहा है कहीं कहीं अपने हाथ से न निकल जाए, इसलिए हम गठबंधन का साथ करें। लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल राजस्थान में धराशायी है। इनकी गहलोत सरकार में भी हम कई कार्यकाल को देख चुके हैं, गहलोत सरकार के कार्यकाल जितना खराब रहा तो बीजेपी आई थी, अब बीजेपी का जो कार्यकाल है वो उससे भी ज्यादा खराब रहा। इसका नॉर्मल आप उदाहरण देख सकते हैं, राजस्थान में जो रोडवेज की जो है उनका हड़ताल चल रही है, कर्मचारी हड़ताल चल रहे हैं, बेरोजगार इनके साथ त्राहि त्राहि मचा रहे हैं। तो दोनों पार्टियां ये सत्ता लोभी है, इनको सत्ता चाहिए, किसी भी शाम नाम धन भेद नीति से इनको सत्ता चाहिए और सत्ता प्रेमी लोग है, इनको सत्ता चाहिए, इनको जनता के काम से जनता के लेन से नहीं चाहिए। राजकुमार जी नहीं, सत्ता किसे नहीं चाहिए, सत्ता जनता के काम के लिए सत्ता दी जाए वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने सत्ता का लोभ हमेशा, सत्ता का लालच, सत्ता का ही लालच रहा है इनको, सत्ता लोभ ही हमेशा रहे। चलिए, राजकुमार जी ने तो अपनी बात कर दी है कि सत्ता लोभी है, लेकिन सत्ता के लोभ किसे नहीं होगा? और अगर गठबंधन की बात की जाती है तो और कोई पार्टी बीजेपी कांग्रेस के अलावा नहीं जिसका जनाधार हो? नहीं, सत्ता ये सत्ता इसलिए है कि सत्ता इनको सत्ता के लिए पैसा कमाना है। संजय जी, सवाल आपसे। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है वो जनता के प्रत्येक हिस्से के खिलाफ उसकी नीतियाँ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। और जो पंकज जी कह रहे हैं कि भाजपा भाजपा, तो भाजपा की सरकार उसकी बात की जाएगी, उपलब्धि तो लड़ाई है हमने, आपने कहा जनाधार नहीं है, CPM और जो तमाम जो दूसरे दल हैं जनता के विभिन्न हिस्सों की मांगों को लेकर लगातार लड़ाइयाँ की है, किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष किए हैं, मजदूरों की मांगों को लेकर संघर्ष किए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार जो है निश्चित है, राजस्थान में भी, देश में भी। और कांग्रेस ने यदि ये कोई ऐसा फैसला लिया है तो उनका अंदरूनी मामला है, वो अगर किसी से गठबंधन करना चाहते हैं समान विचार तो करें, उसमें क्या दिक्कत है। और वो एक स्मार्ट, मैं समझ स्मार्ट मूव है उनका, और अपनी अगर उनको लगता है तो उसमें मेरे ख्याल से उनका निजी पार्टी के अंदर भी मामला है। सवाल यही है, बार बार सवाल यही संजय जी कि लगता है तो आखिर अब क्यों लगता है। चलिए, राउंड वन खत्म हो चुका है, राउंड टू की शुरुआत करते हैं, नॉकआउट राउंड। गिरिराज जी, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बयान आया, जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा, अविनाश पांडे ने कहा है, एक बात बताइए, अगर आप लोग लगातार ये कहते आए हैं, कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर सरकार बननी है, और आपने अभी भी कहा कि केस टू केस डिपेंड करता है, यानी जहां आपको लग रहा है हार सकते हैं वहां पर गठबंधन कर लें, वहां पर उतार दें साथ वाले के कैंडिडेट को? देखिए, पूरे देश के अंदर जो एटमॉस्फेयर 89 में बना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 27 दलों की सरकार थी, जब से देश का ट्रेंड बदला है, ये पहली बार 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन आज भी उनके NDA के घटक दूसरे दल बने हुए हैं। कांग्रेस की बात करिए ना, तो निश्चित रूप से मैं आ रहा हूँ ना श्वेता जी, अरे बता रहा हूँ ना, आप देखिए ना, आप देखिए ना, अरे आप सुनिए, राजस्थान में 22 चुनाव में से 20 हारे हो आप, आपको तो बोलने की नैतिकता नहीं है, आप जो राजस्थान में कर रहे हो, कांग्रेस ने हराया आपको, आपके भारतीय जनता पार्टी को 22 में से 20 चुनाव में कांग्रेस ने हराया आपको, आपको तो नैतिकता खत्म हो जाएगी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप जो कह रहे थे कि चुनाव होगा बाई इलेक्शन, ये मैंडेट होगा, आप स्वीकार कर राजस्थान के अंदर पूरी तरह हो रही है, 22 में से 20 चुनाव हारे हो आप, आपकी तो नैतिकता खत्म हो गई, लेकिन अभी क्या डर कांग्रेस को है? अभी गिरिराज जी एक लाइन में बताइए, क्या डर है कांग्रेस को? गठबंधन की जरूरत क्यों है? गिरिराज जी एक लाइन में बताइए, क्यों जरूरत है गठबंधन की? गिरिराज जी, 11 लोकसभा के चुनाव हारे हो राजस्थान, चलिए अब क्या जीतेंगे उस पर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। गिरिराज जी बात सुनिए, आप गिरिराज जी एक लाइन में ये बताइए, क्या यहाँ पर डर हार का है? केस टू केस डिपेंड कैसे करेगा? कोई डिपेंड हार का नहीं है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर उम्मीदवारों के बीच में भी लड़ाई लड़ जाएगी, जंग छिड़ जाएगी? देश के अंदर कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को अब देश से और प्रदेश से दोनों से सत्ता से बाहर करेंगे, और ये ना 18 और 19 में होके रहेगा, ये मुंगेरी लाल के सपने जो देख रहे हैं आप वाले कि कांग्रेस जो है वो नहीं आएगी, डरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, आपकी तो जमानते नहीं जब तक भी, आपके तो आपके वोट जितने आए थे, आपने तो हिम्मत नहीं की चुनाव लड़ने की, आप लड़ते थे राजस्थान में 22 चुनाव हुए विधानसभा के, 20 चुनाव में इनकी जमानते जब थे, 20 चुनाव में जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, आपके आपके कार्यों को, आपके कार्यों को, आपकी योजनाओं को जनता ने कितना बढ़िया तरीके से नकारा है, आप यहाँ बैठ के बहस कर रहे हो, आप
आपकी क्या दुर्दशा की लेकिन एक मिनट पंकज जी, बीजेपी को की अगर बात की जाए तो आरजेडी आपके साथ तो वहां पर किरोड़ी लाल भी आ चुके हैं जो अलग से पिछली बार चुनाव में खड़े हुए थे। एक बात बताइए, क्या आप की तरफ से भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? क्या कांग्रेस जो कदम उठा रही है आप लोग किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वोट शेयर है? इसके पीछे वजह क्या है? वजह वोट शेयर है। गिरिराज जी, मानिए या न मानिए, वोट शेयर यहाँ पर वजह है। वोट शेयर यहाँ पर वजह है पंकज जी। फायदा होगा कांग्रेस को इससे, नुकसान बीजेपी का? श्वेता, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में अपना जो विकास का काम किया है उसके आधार पे, उसका रिपोर्ट का आधार के आधार पर जनता के बीच में जारी है, और उसी के आधार पर हम अपना विकास का मॉडल है। गिरिराज जी बात सुनिए, सवाल आपसे ये गिरिराज जी, गिरिराज जी बात सुनिए, गिरिराजगढ़ जी बात सुनिए, बात सुनिए, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप साफ साफ ये बताइए क्या वोट शेयर इसके पीछे वजह नहीं है? आपने कहा केस टू केस, क्या मतलब है इसका? आप ही समझा दीजिए, क्या मतलब है इसका कि जहां जरूरत होगी वहां पर गठबंधन कर लेंगे? जरूरत कहां पड़ेगी, यानी जहां आपको लग रहा है कि आप हारेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है कि केस टू केस डिपेंड करेगा, राजस्थान के अंदर दूसरे विचारधारा के विदल है, सीपीएम है, सीपीआई है, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है, क्या जीत मिल जाएगी आपको, क्या फायदा मिल जाएगा आपको? 200 सीटों के अंदर से जो है आवश्यकता होगी वहां करेंगे, जो करेंगे आपके सपने मुंगेरे लाल के हैं राजकुमार जी, ये मुंगेरे लाल के सपने मत पालो। राजस्थान में आपकी धरातल नहीं है, जमान तो नहीं बचेगी आपकी, आपने अलवर और अजमेर में हिम्मत की चुनाव लड़ने की, हमने कांग्रेस नहीं देख रही है। सुनिए मेरी बात, गिरिराज जी क्या कांग्रेस नहीं देख रही है? आप तो बात ही नहीं सुनना चाहते, बात ही नहीं सुनना चाहते आप। गिरिराज जी अपनी बात रखिए अच्छे से, झगड़े से कुछ नहीं होगा, झगड़े से ये बहस करने के लिए अखाड़ा नहीं है ये। गिरिराज जी अखाड़ा, राजकुमार जी एक मिनट राजकुमार जी, दिल्ली में लूट रहे हो ना, बस यही करिए आप लोग, डिस्कशन में आगे भी झगड़ा करिए, संसद में नहीं है तो विधानसभा में नहीं, तो बस यही करिए, कुछ नहीं होना आप लोगों से। गिरिराज जी बात सुनिए, गिरिराज जी बात सुनिए आप किससे लड़ रहे हैं? आप गिरिराज जी एक मिनट, किससे लड़ रहे हैं आप? आपसे लड़ रहे हैं, आपसे आपकी लड़ाई है या बीजेपी से लड़ाई? सत्ता में कौन है? आप तो बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। गिरिराज जी बात सुनिए पहले, आपने कहा कि ठीक है केस टू केस डिपेंड करता है, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए या आपकी पार्टी मान रही है कि हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी? और एक बात ये बताइए, गठबंधन करने से फायदा कांग्रेस को क्या है? सब रास्ते खुले हुए हैं, क्या फायदा है? 2008 में सुनिए मेरी बात, 2008 में बीएसपी थी, 6 सीटें उसको मिली, 2 सीटें कांग्रेस के साथ मिली, वो 3 सीटें उसे 2013 में मिली, इसके अलावा किसके पास जनाधार है? क्यों जरूरत कांग्रेस को पड़ रही है आप ये बताइए? ऐसा है, जरूरत तो ममता आपको, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला यूपी के अंदर, गठबंधन करने जा रही है, बड़ा साफ है कि अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अस्तित्व बचाया गया यूपी में आपने, भारतीय जनता 1500 एमएलए हिंदुस्तान के अंदर, आप याद करिए 400 सांसद हिंदुस्तान के अंदर, बात कर रहे आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। काम क्या किया है? आज इनकी भीड़ में संख्या नहीं है, इनकी कुर्सियां खाली रह जाती है झुंझुनू के अंदर, जो सुंदर राज्य की जो मुख्यमंत्री, देखिए जनता तो देख रही है सब, आप किसी के साथ भी मिलिए, जनता को जिसको लाना होगा लाइए। चलिए राजकुमार जी, आप बार बार ये कह रहे हैं, राजकुमार जी आप बार बार कह रहे हैं कि गहलोत की सरकार देखा, वसुंधर राज्य की सरकार देखी, किसने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो क्या आप करेंगे आगे? आपका अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, आपका अस्तित्व नहीं है यहाँ पर, आप आगे करेंगे क्या? आप करेंगे यहाँ पर हिंदुस्तान आरोप लगाना
बहुत अच्छा आता है। संजय जी, संजय जी, अगर यहाँ पर गठबंधन की बात की जाती है, क्या साथ जाएगी, क्या राजस्थान में उम्मीद लगती है? संजय जी, सवाल आपसे। राजकुमार जी, एक मिनट, झगड़ा करने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया आप लोगों को, प्लीज एक मिनट बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, वरना सब बोलते रहेंगे, कोई नहीं सुन रहा है आपको। संजय जी, सवाल आपसे, आपसे सवाल, जवाब आप दीजिए। जनता के लिए नहीं है बिल्कुल भी, दोनों पार्टियां सत्ता विरोधी, बिल्कुल सब सब नहीं है, कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर लाए किसको? जनता को किसी को तो लाना है। संजय जी, कि इनका जो पंजाब में क्या हाल हुआ, चलिए नहीं, हम राजस्थान में रहते हैं सर, पंजाब में बाद में जाएंगे, राजस्थान की बात कर लेते हैं। पंजाब में आपकी मालूम पड़ गई ना, आपने कहा चुनाव लड़ने के बाद विपक्ष में बैठे हैं, हम पहली बार चुनाव लड़के 22 विधायक लेके विपक्ष में बैठे हैं, क्या कमी है हमारी? चलिए तो अभी दिखा दीजिएगा राजकुमार जी, 2018 में दिखा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा 2018 में गठबंधन से आप तो इनकार कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि आप नहीं है साथ, जनता पूरा समर्थन, आप नहीं है ना कांग्रेस के साथ, ये बताइए, जनता सुन रही है, राजकुमार जी आप साथ है कि नहीं कांग्रेस की, ये बताइए, राजकुमार जी आप कांग्रेस के साथ जाएंगे अगर बुलाया जाता है, और कहा जाता है? के साथ नहीं जाएंगे हम, अपने 200 की 200 विधानसभा पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता हमें स्वीकार कर रही है, और हम दिल्ली में जो कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, जीत की पूरी और अगर, चलिए ठीक है, चलिए बधाई हो आपको, चलिए 200 सीट में लड़िएगा, और इसके बाद जिस तरह से आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस किसी ने नहीं काम किया, चलिए आप ही सरकार बना लीजिएगा, देखेगी जनता भी देख रही है, चलिए बिल्कुल जनता देख रही है। गिरिराज जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट शेयर की बात आती है, क्योंकि अगर बीएसपी की बात कर जाए वही बच रही है जिसके साथ यहाँ पर गठबंधन हो सकता है, साथ जा सकती है कांग्रेस, जिस तरह से महागठबंधन की केंद्र के लिए बात की जाती है कि बीजेपी को हटाना है तो सब एक साथ हो जाओ, राजस्थान में इसकी जरूरत तो कांग्रेस को नहीं लगती, लेकिन इसके बाद भी अगर गठबंधन की बात की जाती है तो वोट शेयर ही यहाँ पर मुख्य कारण नजर आता है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो बातचीत होगी दूसरे दलों से वही राजस्थान में होगा, इसलिए क्या है कि खाली बसपा से हम राजस्थान के लेवल पे बात करें, चूंकि पूरे देश के अंदर अभी जो बन रहा है, क्या बड़ी आप इस चीज को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? अरे आपकी गलत क्यों पड़ी यार, आप पूछना, आपकी आपकी गलत क्यों पड़ी, आपने एनडीए क्यों बनाया, आपके साथ क्यों साथ दल बने हुए हैं, आप दो दो सांसदों के साथ बैठे हुए हो, आपकी क्या जरूरत पड़ी थी, आप बताओ ना, आपने एनडीए क्यों बनाया सकते, और इसीलिए आपको दूसरे एनडीए क्यों बनाया रहा है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, औकात नहीं थी तो आपने क्यों सहारा लिया उन दलों का, और अभी यूपी में सहारा क्यों लिया आपने, आप बताओ तो सही, अपना दल जिसके दो सीटें आपके लिए 33 है राजस्थान की विधानसभा में, बोलो मत, दो लोकसभा में थे, दो कांग्रेस के, दो नहीं है अभी, पूरे देश के अंदर दो लोकसभा सदस्य थे आपके, आपकी औकात दो लोकसभा की थी, 33 लोकसभा, शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखिए, बात आपको रखनी नहीं है, अपनी बात अपनी रखनी नहीं है, सीधा सा जवाब होता है सीधे से सवाल का, अगर पूछा जा रहा है कि वाकई में जरूरत पड़ रही तो क्यों, क्या डर सता रहा है? गिरिराज जी, एक लाइन का जवाब है, कोई डर नहीं सता रहा, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, हाँ। जो सचिन पायलट जी ने कहा है वो पूरे देश के परिपेक्ष में कहा है, खाली राजस्थान का परिपेक्ष नहीं है, और निश्चित रूप से उन दलों को विश्वास में लेना जरूरी है जो पूरे देश के अंदर 2019 के चुनाव में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना है, इसलिए उस परिपेक्ष में उन्होंने कहा है कि जहां केस टू केस डिपेंड करेगा, केस टू केस तो राजस्थान की बात होगी ना, पहले विधानसभा तो पहले, निश्चित रूप से खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट ने तो कह दिया, संकेत यहाँ पर दे दिए कि गठबंधन कर सकते हैं जैसा केंद्र का फैसला होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक तरफ अगर बात आप करते हैं कि एक तरफा जीत लेकर आएंगे, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे विधानसभा चुनाव में राजस्थान में, तो फिर आखिर गठबंधन की बात क्यों उठ रही है, और गठबंधन की अगर जरूरत पड़ रही है तो किसके साथ गठबंधन करेंगे जिस पार्टी का कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है। बहरहाल चलिए, विद फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।